अभी अभी ये खबर मिली है कि दिन रात 24 घंटों से जो बारिश हो रही है, कलकत्ता के अधिकतर नदी नाले भर चुके हैं और भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि आप अपने घरों से बाहर ना निकलें, अपनी रक्षा स्वयं करें। समुद्र में बहुत तेज लहरें उठने की आशंका जताई जा रही है। Missing for the last 3 days is found dead in River Ganga. Despite we have found the body, there is suspicious. It doesn't seem like a murder. As you can see, her mother has a knife and she is totally dead. This is really heartbreaking. From the past 3 months, this is a fourth murder. What action police have taken, I wonder. Please save life of the children. As you can see, her mother is totally in shock. She is unconscious. This is really shameful. Forensic reports are yet to come. Police have taken initial action.
एक्सक्यूज मी। हाँ, कम इन। मैं आपका इंतजार कर रहा था। आप कुछ लेना चाहेंगे? नो थैंक्स। थैंक यू। वैसे मैं आपसे सिर्फ यही एक चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। आपको याद तो है ना मैंने आपसे क्या कहा था? एक बार के लिए तो हाँ है ना? हाँ। गुड। ज्यादा डिले मत कीजिएगा। अब सिर्फ एक हफ्ते का ही टाइम है। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। डोंट वरी, ये मामला सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। अरे आराध्या, दरवाजा खुला छोड़कर, बाहर खेलना छोड़कर यहाँ आकर अकेली क्यों बैठी हो? हाँ, क्या हुआ बेटी, क्या हो गया? स्कूल में टीचर ने डांटा क्या? ओ, फिर भूख लगी है? तुम्हें क्या चाहिए बताओ तो, मैं अभी बना कर देती हूँ। क्या चाहिए बोलो। पापा। मामा, मुझे पापा चाहिए। I'm really missing him very much. आराध्या, मैंने तुमसे कहा ना, वो बहुत दूर चले गए हैं, वो नहीं आ सकते। तुम्हारे पास मैं हूँ ना, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना? हाँ, बताओ। बेस्ट फ्रेंड के साथ जब रहते हैं तो खुश रहना चाहिए ना? हाँ ठीक है। Then why you are so sad? Smile. Yes. तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज है। क्या है? पहले मुझे किसी दो, फिर बताती हूँ। पहले बताओ, फिर मैं किसी करूँगी। ऐसा क्या? अच्छा, 3 दिन हम तुम्हारे स्कूल से छुट्टी लेकर तुम्हारी फेवरेट जगह पर जाने वाले हैं। वाओ, रियली? थैंक यू मम्मा, आई लव यू। आई लव यू टू बेटा, डोंट बी सैड। ओके, टिकट 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 टिकट। मैडम कहाँ जाओगी? श्याम बाजार, 2 टिकट। आराध्या, हाँ भाई, नेक्स्ट वीक जब मैं घर पर नहीं रहूंगी तब तुम अंकल आंटी के पास रहोगी, ठीक है? वहाँ तुम अंकल आंटी से अच्छा बर्ताव करोगी, उन्हें बिल्कुल परेशान नहीं करोगी। मम्मा प्लीज, मुझे भी आना है। नहीं बेटा, तुम वहाँ नहीं आ सकती। अच्छा मम्मा, कल आरजे का ऑडिशन है, आपको याद तो है ना? याद है, हम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मा। जिस लड़की का खून हुआ है ना, उसके बारे में पता करने के बाद ही खूनी का पता कर सकते हैं। ये छोटे मोटे पुलिस वाले कितने भी हाथ पर मार ले, कुछ पता नहीं कर सकते सर। अभी तक हुआ नहीं क्या बे? क्या बोल रहा था वो? अरे पुलिस राउंडिंग पे ऐसा बोल के मैं डरा रहा है यार। वो क्या हमें कोई छोटा मोटा आदमी समझ रखा है क्या? उसे बताना चाहिए था ना, हम शरीर पर सिर्फ खून का दाग ही लेते हैं, केस नहीं। ए, तुझे क्या लगता है बे, सर काटना इतना आसान होता है क्या? इस बार अगर शिकार हाथ से निकल गया ना, तो माँ कसम खा के बोलता हूँ, अब तक इस नदी में बहुतों को मार के फेंका है, इस बार तेरी बॉडी फेंकूंगा। रीजन वीजन कुछ नहीं, सीधा रिजल्ट दूंगा। सिर्फ 2 दिन का समय बचा है, किसी भी वजह से तुम अपना फैसला मत बदलना। अब ठीक है सर। आराध्या, क्या हो गया? सॉरी मामा, वो गलती से गिर गया। कोई बात नहीं बेटा, छोड़ दो, तुम्हें लग जाएगी।
अच्छा, ऑडिशन के लिए सारी तैयारी कर ली? हाँ, डोंट वरी, बी ब्रेव, अच्छी तरह करना, ठीक है? ओके, हाँ। जरा देखो कौन है। हाय दीदी। हाय छोटू। क्यों बेटा, रेडी हो ना? हाँ रेडी हूँ, तो चले? मैं बैग लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी करो, चलो। दीदी, आज एफएम ऑडिशन में गाने के लिए मैं 2 सॉन्ग चोरी करके लाया हूँ। सॉन्ग चोरी करके लाए हो? ओहो, ये सिंगिंग कंपटीशन नहीं है, ये आरजे का ऑडिशन है। गाना नहीं गाना है, तुम्हें बात करनी है। वी हैव टू टॉक फ्लुएंटली इन बंगाली। डोंट वरी, मैं तुम्हें सिखा दूंगी। आराध्या, लेट हो रहा है। दीदी देखा आपने, इन लोगों ने कितना मेंटेनेंस बढ़ा के रखा है। हाँ शंकर भाई, क्या करे। अरे कितने अच्छे लग रहे हो तुम दोनों। ऑल द बेस्ट, ओके? अच्छी तरह करना, ओके? थैंक यू आंटी। थैंक यू मम्मी। मम्मा, अगर मैं ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई तो आप मुझे बिरयानी बनाकर दोगे क्या? ऑफ कोर्स बनाकर दूंगी बेटा, मुझे भी चाहिए। श्योर श्योर, संभल कर जाना। ओके शंकर भैया, इन्हें संभाल कर ले जाना। बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, इनको ले जाना लाना ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलो चलो बेटा। अरे चलो, देर हो रही है, चलो चलो। बाय, अच्छी तरह करना। ओके मम्मा, बाय आराध्या। बिरयानी बनाकर रखना। अरे वाटर बॉटल। आराध्या, क्या हुआ मम्मा? भूल गई ना? क्या भूल गई? वाटर बॉटल। सॉरी मम्मा। इट्स ओके। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। बेटा टेक केयर चिन्न। बाय मम्मा, टेक केयर। डू योर बेस्ट मम्मा। 6:30 याद है, मैं बताऊंगी। खड़ा रहे, ज्यादा जल्दबाजी मत कर। यहीं पे रुकना, अच्छे से ऑडिशन देना। ऑल द बेस्ट। ठीक है, आराध्या अंदर जा। ओके अंकल। छोटू, दीदी की बात सुनना। बाय बाय पापा। अरे भाई, माचिस है? मेरे पास तो नहीं है भाई, आप उनसे पूछ लो ना वहाँ पे। हाँ वहाँ। ठीक है ठीक है। हाँ। अरे अरे अरे, अबे क्या कर रहा है? क्या ब्रेक नहीं है? रोड क्रॉस करना। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। देखना गाड़ी चला रहा है हवाई जहाज। बगल देख कर लोग चलते नहीं है और ऊपर से गाड़ी वाले को बोलते हैं। सुन बे, इधर ही आ रहा है, ज्यादा बोलो ना तो चाकू घुसड़ देना अंदर, उसके साथ हम इसको भी उठा लेंगे। हा? अरे भैया, माचिस है क्या? अच्छा माचिस। हाँ, हाँ। अरे दीदी कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाय हाय। अच्छा है। मैं आपके लिए यहाँ पर आई हूँ और अगले 1 घंटे तक मैं आपके साथ ही रहने वाली हूँ। आप ये 1 घंटा अपना फेवरेट गाना अपने दोस्तों को सुना सकते हैं। अरे तो ये क्या है? आराध्या, क्या प्रोग्राम नहीं आ रहा है? ये तो कोई और ही प्रोग्राम आ रहा है। लगता है आज ऑडिशन लेकर कुछ दिनों के बाद एयर पर आएगा। हेलो मैडम, मैं बेचारी ने बिरयानी बनाने के लिए कहा था, अभी बना देती हूँ। Oh, my God.
बच्चे अभी तक नहीं आए? आते ही होंगे मैडम, मोबाइल स्विच ऑफ है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, वो आ जाएंगे। लगता है वो आ गए हैं। मैं नहीं, रहने दो, मैं देखती हूँ। शंकर भैया, आराध्या कहाँ है? आराध्या? अरे दीदी, आप ही ने तो कहा था कि आप लेके आओगे। झूठ मत बोलिए शंकर भैया, व्हाट नॉनसेंस। मैं लेकर आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, और अभी ये ड्रामा कर रहे हैं आप। दीदी, मैंने आपसे कहा था कि मुझे आने में लेट होगा, तो आपने मुझे कहा कि आप खुद लेकर आओगे। शायद आप भूल रही हो दीदी। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अरे मैं सच बोल रहा हूँ। छोटू आराध्या कहाँ है? नहीं देखा आंटी। नहीं दिखा? ऑडिशन के समय मैं सो गया था। हे भगवान। अरे दीदी, चुप हो जाइए। आपने कहा था कि आप खुद लेकर आओगे। भरोसा करके बच्ची को भेजा था, गलती हो गई मुझसे। अरे आप मुझ पे यकीन करो। तो चिंता मत कर, मैंने स्ट्रॉन्ग डोज दिया है, सुबह तक वो हिलेगी भी नहीं। चुपचाप गाड़ी में बैठ। दीदी आओ चलकर देखते हैं। अरे आप क्यों डर रही हो दीदी? कुछ नहीं होगा, उसे मिल जाएगी वो। अरे वो एफएम स्टेशन के आसपास ही कहीं होगी, चलिए जाकर ढूंढते हैं, देर हो रही है, चलिए। अरे बैठिए ना। दीदी आप ऑफिस में जाके पूछिए, मैं आसपास देखता हूँ। हाँ ठीक है। अरे मैडम कहाँ जा रही हैं आप? मेरी बेटी आराध्या आज ऑडिशन के लिए यहाँ आई थी, अभी तक घर नहीं लौटी है। मैं एक बार अंदर जाकर देख लूँ प्लीज। लेकिन अभी तो अंदर कोई भी नहीं है मैडम, सब सब जा चुके हैं। जाकर देखकर वापस आ जाऊंगी। मैंने आपको बोला ना मैडम, आप कहाँ जा रही हैं, ऐसे नहीं जा सकती आप। सिक्योरिटी, क्या हो रहा है यहाँ? एक्सक्यूज मी मैम, माय डॉटर आराध्या हैड कम फॉर आज ऑडिशन, शी हैजंट कम होम मैम। व्हाट, शी हैजंट रिटर्न्ड येट? But Aradhya was selected candidate.
and her program has been broadcast at 6:30 PM. Now it's 11:30. I know. क्या मैं एक बार चेक कर सकती हूँ? शायद कुछ गलतफहमी हुई है. No one is there. Are you sure वो अंदर नहीं है? Don't waste your time, ma'am. Please lodge a complaint soon. This is Kolkata, ma'am. Got to be very careful. दीदी क्या कहा? कुछ नहीं भैया. हे भगवान, चलिए आसपास पूछते हैं. चलो. दीदी आपने इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा. नहीं देखा. आपने इस बच्ची को देखा? यहाँ पर भी किसी ने नहीं देखा. ठीक है ठीक है, चलो कहीं और ढूंढते हैं. चलो. क्या हो गया? इसे भी इसी वक्त बंद होना था. अरे जल्दी कुछ करिए ना शंकर भैया. क्या हुआ दीदी? लेट हो जाएंगे. आप इस तरफ देखिए, मैं उस तरफ ढूंढती हूँ. रात को अकेले मत जाइए. सुनो दीदी, सुनो. तो आइटम आ रही है. अरे वाह, क्या अरे कहा जा रही है मैडम? अरे इधर आ, रुक रुक. मैंने अरे रुक जा, जाने में तुम्हारे दीवाने हम. अरे रुको तो सही. छोड़ो मुझे. ए, साड़ी मत खींचो. हाथ मत लगाओ मुझे. छोड़ो मुझे. मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ. मुझे पैसे नहीं चाहिए. मैं अपनी बेटी को ढूंढ रही हूँ. छोड़ दो. छोड़ो मुझे. तूने मुझे मारा. तू जानती है मैं कौन हूँ? गाड़ी रुको जरा, थोड़ा पीछे लो. सर, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है यहाँ पर? पुलिस आ गई. सर, करो. सर, भाग रहे हैं. दिस रूम में सर, मिसबिहेविंग विद मी. सर, सर, क्या कर रहे हैं? हमसे पैसे ले रही है, लेकिन अब हमारे साथ चल नहीं रही है. चल, क्या चल रहा है यहाँ? धंधा चालू किया है तूने यहाँ? नो सर, मेरी बेटी गुम हो गई है सर. मैं उसे ही ढूंढ रही हूँ सर. और ये लोग. ये सब छोड़ दे, उसके लिए अलग जगह रखा हुआ है. नो सर, रेसिडेंशियल एरिया खराब कर रही है. मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं किया सर. बेवड़ो को गाड़ी में डालो. ए चल, किधर भाग रहा है? जानता हूँ सर. चलो गाड़ी में बैठो. तू संभाल नहीं पा रहे सब इतना. आवाज मत कर. चल 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 चल. अरे बात सुनिए. चलो सर. सर मैंने कुछ नहीं किया सर. चलो सर प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया सर. सर मेरा विश्वास कीजिए सर. जो होगा बाद में होगा, अभी अंदर चलो. चलो सर, मैंने कुछ नहीं किया सर. मैंने कुछ नहीं किया सर. अंदर चलो सर, प्लीज सर. आ जाओ इधर सर. सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया. आ जाकर चुपचाप बैठो. प्लीज सर, क्या करने गई थी वहाँ? सर एक बार सुन तो लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर. ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं. चलो इन दोनों को अंदर ले जाओ. अरे हाथ क्या जोड़ता है? चल सर. अच्छा चले गए यहाँ से. नहीं नहीं मैडम, मैंने इसे कुछ नहीं कहा. मैंने इसका इसके साथ कुछ नहीं किया मैम. इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैम, आप मेरा यकीन कीजिए. मुझे बताएगा तू? किसको फोन कर रही थी? किसको फोन कर रही थी? नेता को फोन कर रही थी? मंत्री को फोन कर रही थी? सुरेश भाई को फोन कर रही थी? सब तुम्हारे कस्टमर है क्या? माइंड योर लैंग्वेज सर. वाह, उंगली दिखाकर बात कर रही है. एक तो खराब काम करती है, ऊपर से आवाज उठाकर बात कर रही है. अंदर ले जाओ इसे. जाओ वहाँ पर. क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? सर स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूट सर. नो सर प्लीज सर, ये झूठे हैं. मैं एक बहुत बहुत अच्छी फैमिली से हूँ सर. शाम से मेरी बेटी घर नहीं लौटी है सर. मतलब मेरा मतलब है वो गायब हो गई है सर. प्लीज सर, लिसन टू मी सर. परेशान मत होइए, शांत हो जाइए. सर बैठिए. सर कल मेरी बेटी एफएम स्टेशन गई थी ऑडिशन के लिए. वहाँ से वो वापस ही नहीं लौटी है सर. मुझे लगता है कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ है सर. ये लोग मेरे साथ मिसबिहेव कर रहे थे सर. मैं अपनी बच्ची को ढूंढने जा रही थी, ये लोग मुझे छेड़ रहे थे. इन्होंने देख लिया, मुझे गलत समझा और यहाँ ले आए सर. यू हैव टू हेल्प मी सर, प्लीज हेल्प मी सर. मेरी बेटी मिल नहीं रही है सर. बेटी की डिटेल्स दीजिए, ढूंढने की कोशिश करते हैं. गोविंद, मैडम की कंप्लेंट लिख लो जरा. वो बाहर गया है सर, अभी तक आया नहीं. बाहर गया तो कंप्लेंट कौन लिखेगा? फोन करके बुलाओ उसे. ओके सर. प्लीज कम डाउन. आई एम वेरी सॉरी फॉर व्हाट हैज हैपेंड. आप अपनी कंप्लेंट लिखवा दीजिए, हम कोशिश करते हैं.
हेलो सर, सर यहाँ राजविहार में कोई बहुत बड़ा लफड़ा हो गया है सर, दो लोगों में मारा मारी हो रही है। आ रहा हूँ। हाँ सर, हिट एंड रन केस है, आप जल्दी आ जाइए। ठीक है, अभी आता हूँ। और हाँ, कंप्लेन लिखवाने के बाद अकेले मत जाइएगा, यहाँ से किसी को भेज देंगे, वो आपको छोड़ आएगा। ठीक है कुलदीप, राजविहार चौक चलो। हाँ ठीक है सर। राइट नहीं आया सर। उन्हें बताए बिना ऐसे ही जाओगी? राइटर को आने में टाइम लगेगा, तुम बाहर जाकर बैठो। चाय लीजिए। आपका नाम? देवकी। कहाँ रहती हैं? बाली गंसर गिलो रोड। अच्छा, आपके हस्बैंड? He is no more. ओह सॉरी, क्या आपके कोई रिलेटिव्स हैं यहाँ पे? नहीं, और कोई नहीं है। बेटी की डिटेल्स? सर उसका नाम आराध्या है, 10 साल की है, गोरी है सर, बहुत फेयर है और कनाडा, बंगाली, इंग्लिश सब बोल सकती है। कल शाम से मिल नहीं रही है सर। कितने बजे से? शाम से 7 बजे से नहीं मिल रही है सर। जब आपने वहाँ आसपास पूछताछ की तो वो कहाँ गई, किस तरफ गई, किसी ने कुछ बताया? मैं जब हॉग मार्केट के आसपास पूछताछ कर रही थी तब एक बूढ़े भिखारी ने बताया कि 3 लोग बच्ची को लेकर जा रहे थे। बच्ची की फोटो है क्या? हाँ, है सर। दीजिए। हम लोग
इसकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और सर्च करेंगे। अगर किसी ने इसे पहचान लिया तो हम आपको बता देंगे, ठीक है ना? ओके सर। साहब, कुछ कीजिए ना साहब। हाँ हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं। बोला ना, अभी आप जाइए। थोड़ा ध्यान देके चलिए। यही पास में सर, ये दो घर बताओ तुम्हारा नहीं। कल रात उस भिखारी को आपने कहाँ देखा था? तो उसका नाम बताओ। सर वो हॉग मार्केट। देखता था उसको मैं। हाँ, मैंने भी देखा था। और मैंने उसको खाना भी लाके दिया। क्या हुआ यहाँ सर? यहाँ पर हर रोज एक भिखारी बैठता था, लेकिन आज वो मर गया। यहाँ एक बूढ़ा भिखारी था ना? अरे वो तो मर गया मैडम। मैडम उनके बारे में क्यों पूछ रही है? पकड़। दीदी, आपने इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? नहीं, 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 हमने भी नहीं देखा। अरे नहीं, अरे देखा, फोटो है ये सर। दीदी प्लीज मदद कीजिए, ये मेरी बेटी की बोतल है और ये बैग। इनकी बेटी यहीं से किडनैप हो गई थी। तुम लोगों ने कुछ देखा? अरे नहीं, छोटी बच्ची को देखा है क्या यहाँ पर? देखा है उसे, गोरी सी है वो। ये बोल क्या रही हो? कल रात से मिलने आ रही है। मुझे तो लगता है ये पागल है। मुझे भी लगता है पागल है ये। अरे अरे, ठीक है, कोई और नाटक मत करना। मैं सबको जानता हूँ, इस बार तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। किसी ने तो काम किया है ना? फालतू में शक्कर। अरे बता किसने किया है? सर, तुम बोल। किसी ने कुछ बताया क्या? चुप। कलकत्ता की सारी गंदगी यहीं जमा हो गई है। सुब्रतो, इसके केस का फुटेज आ गया है क्या? चेक करो जरा। देखो, अगर मेरा दिमाग खराब करोगे ना तो मार मार के चमड़ी उधेड़ दूंगा। क्यों रे मुन्नी? सर, तू भी कुछ नहीं जानती है क्या? सर, जितने भी बुरे धंधे थे सब मैंने छोड़ दिए। दुर्गा माँ की कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं जानती सर। सर, मैं कुछ जानता नहीं हूँ सर। फयाज उसका दोस्त है, आप उससे पूछ के देखिए, वही बताएगा। ए, तू मुझे क्यों फंसा रहा है? सर, जवाहर और ये प्रमोद गिरी, ये दोनों मेरे दोस्त हैं सर, ये सब जानते हैं। माँ काली की कसम सर, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मेरे को कुछ पता नहीं सब, यही लोग मेरे को पकड़ के लाए थे। 10 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने मुंह नहीं खोला ना। Hey, थर्ड डिग्री ट्रीटमेंट रेडी करो। ये लातों के देव हैं, बातों से नहीं समझेंगे। जो करना है करो, पर उगलवाओ। ओके सर, अगर 2 मिनट में तुम लोगों ने कुछ नहीं उगलाना तो मैं तुम्हारी मार मार के फुस भर दूंगा। हेलो देवकी, आई एम किशोर सिन्हाज वाइफ। मुझे थोड़ा थोड़ा हिंदी मालूम है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सब बताया। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। आप रेस्ट कीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके? सर, अल्ताफ ने मुंह खोल दिया। लोकेशन पे अभी जाएंगे तो हमें कुछ पता लग सकता है। ठीक है। बोलो। देवकी को होश आया था। मैंने उन्हें कहा कि आप रेस्ट कीजिए, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। I don't know where she went.
ठीक है, मैं देखता हूँ। उनकी बेटी को जल्दी ढूंढ कर ला दीजिए। मैं वही काम कर रहा हूँ, बाय। सुनो, जाकर देखो देवकी कहाँ गई। ओके सर। एक्सक्यूज मी मैम, आपका फोन काफी देर से बज रहा है। हेलो सर। देवकी कहाँ है आप? माणिक ताला सिग्नल के पास। ओके, वहीं रुकिए, मैं आता हूँ। ओके सर। हे, मैंने तो उसे कई बार फोन किया, वो मेरी बात ही नहीं सुनता है। मैंने उसे बोला था, लास्ट टाइम ही बोला था, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है ना। हाँ हाँ ठीक है, मैं सर से बात कर लूंगा। हाँ हाँ पैसा क्यों कमा रहा है, बोल। काम पे ध्यान नहीं है तेरा? अरे तेरी एक टांग काट दूंगा भाई, अब तेरा दिमाग ये, काम ये पे। तो लड़की है ना, इसने भी उसे पैसे नहीं दिए थे। चल पा रहा तू, चला तू, सर का चेहरा दिखा। क्या हुआ? देख, अगर तूने अपनी बात मानी ना, तेरी लाइफ सेट हो जाएगी। अगले 5 साल में तू खुद देख लेगा भाई अपनी आंखों से। सच बोल रहा हूं, कटिंग लेके आ जा। चाय नहीं चाहिए ना? बोल नहीं चाहिए, चल फोट। साहब अपुन को बुला लेते, अपुन आ जाता। तुझे बुला के बिठा के बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये लड़की कल रात से लापता है, मुझे पता है तेरे पास ही है, जा लेके आ। क्या बात कर रहे हो साहब आप, ये लड़की को अपुन पहली बार देख रहा है, ये अपुन के पास कैसे होगी? अपुन के पास नहीं है साहब। प्लीज भैया, मुझे अपनी बहन समझ कर मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं आपके पांव पड़ती। क्या कर रही है मैडम? सच कह रहे हैं, मार कसम। क्या समझ रहे हो मुझे? चुप। कलकत्ता में एक चेन भी मिस होती है तो उसमें भी तुम्हारे नेटवर्क का हाथ होता है। कल हॉग मार्केट में 3 लड़कों को इस लड़की को उठाते हुए एक भिखारी ने देखा था, जाओ बुला के ला उनको। मां कसम, मां कसम, अपुन के पास नहीं है साहब, अपुन के लड़के ऐसा काम नहीं करते साहब। और आपके 3rd degree के बाद अपुन ने सारा धंधा छोड़कर स्क्रैप का धंधा चालू किया है साहब। वैसे लड़की की उम्र क्या है साहब? 10 साल। लगता है ये शकील के लड़कों का काम होगा साहब, मैं अभी फोन लगाता हूँ। रिंग जा रहा है साहब, उठा नहीं रहा है। सब के सब चुपचाप खड़े रहो,
ए, सबका वर्जिन टेस्ट कर, नहीं तो जोश बता दूंगा ना तुम लोग के साथ भी होगा। हाँ दे। हाँ रफीक भाई, क्या हाल है? बहुत चर्बी चढ़ गया तेरे को? हाँ कब से फोन लगा रहा हूँ। वो क्या ना भाई, फोन चार्ज पे था इसलिए। ठीक है, कल कितना एंट्री हुआ? यही कुछ 10-15 एंट्री होगा। अच्छा ठीक है, अभी अपन साहब को भेज रहा है, जितने भी छोटी लड़कियां है ना साहब को दिखा दे। हाँ भाई दिखा दूंगा, भेज दो। कोई होशियारी नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई। की माँ की। साहब कल शकील के लड़कों ने 10-15 लड़कियां उठाई है साहब, अगर आप उधर जाओगे ना तो आपको आपकी लड़की मिल जाएगी साहब। इन्फॉर्मेशन गलत निकली तो तू गया साहब। होशियार रहना, ज्यादा लेट मत करना। ए तू जानता है ना ये काम जल्दबाजी वाला नहीं है, आ जाऊंगा मैं। ए बॉक्स है, तू मजाक कर रहा है क्या? अगर किसी को पता चल जाएगा तो लग जाएगा, चल जल्दी आ। क्या हाँ ठीक है, ठीक है। ज्यादा लेट मत करना। हाँ ठीक है। काम मेरी जान, कैसी हो? कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत ही कंजूसी। अच्छी लग रही हूँ ना? अगर मैं पसंद नहीं आ रही हूँ तो किसी और को ट्राई कर लो। जरा अंदर तो चलो, शर्माओ मत। इस लड़की को कहीं देखा है? नहीं मुझे नहीं पता। प्लीज दीदी, ये मेरी बेटी है, मेरी मदद कर दो। मैं नहीं जानती ना, फिर से एक बार देखो ना इसे, मुझे और भी काम है। हेलो एक्सक्यूज मी, क्या सर आज साहब कैसे अच्छी नहीं लग रही क्या? अरे रुको तो, शर्माइए मत साहब। हाँ छोड़ो सर। आप कस्टमर हो क्या? नहीं बेटा, तुम अंदर जाओ। प्लीज गिव मी 200 रुपीज। 200 रुपीज क्यों? यू टच मी हियर एंड हियर, नाउ यू हैव टू गिव मी 300 रुपीज। गिव गिव। रफीक भाई ने भेजा है क्या? आइए इस तरफ। आइए सर, फोटो दिखाइए। यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां आती जाती हैं साहब, मुझे चेहरा याद नहीं है। ए साहब को नई लड़कियां दिखा रहे, ये दिखा गया सर आपको। आइए। ए, सब लोग उठ जाओ, चलो चलो उठो। आराध्या, नहीं, नहीं है क्या? नहीं। चलिए सर, चलिए मैडम। मिली क्या साहब? नहीं, शायद किसी और ने उठाया होगा फिर। ठीक है भाई, मिनिस्टर के लिए जो नई लड़की रखी है ना उसको दिखाओ। क्या क्या बोला ये? वो गांजे के नशे में बोल रहा है साहब। साले स्टेशन ले जाके तुझे वो मार मारूंगा ना, सीधा खड़ा होके पेशाब भी नहीं कर पाएगा। दिखा। आराध्या, आराध्या, आराध्या।
अगला नजर किसी और ने उठाया होगा। आइए विनायक सर, हम लोग सिर्फ फ्री में सैलरी लेने के लिए क्या? क्या चल रहा है सोनागाछी में? छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उनसे धंधा करवा रहे हैं और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं? यहाँ इन बच्चियों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और हमें अपनी कमाई की पड़ी है। हाँ हाँ, रूल्स और परमिशन मुझे भी पता है, और ये भी पता है कि ये हम किससे लेते हैं। जिन बुड्ढों के मुंह में दांत नहीं है वो 10-10 साल की बच्चियों की इज्जत लूट रहे हैं और हम उन्हें चप्पल मारने के बजाय सल्यूट मारते हैं। देखो, वो लड़की नहीं मिल रही है इसलिए मैं पहले से ही टेंशन में हूँ। हम इस एरिया में आज ही रेड डालेंगे, भले ही हमें लिमिट के बाहर जाना पड़े। किसी ने रोकने की कोशिश की तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ये ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं से बात पता तो नहीं चल गई? कुछ नहीं, चलिए। क्या लेंगे आप? कुछ नहीं चाहिए सर। ऐसे कैसे चलेगा? बच्ची को ढूंढने के लिए शक्ति चाहिए। कुछ खा लीजिए थोड़ा सा। मेरी बेटी कहीं तकलीफ सह रही होगी, ऐसे समय पर मैं कैसे खा सकती हूँ? उसने कुछ खाया होगा या नहीं, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। सर क्या दूं सर? दो टोस्ट दे दो। अच्छा, आपकी तकलीफ मैं समझ सकता हूँ। मैंने हर जगह मैसेज पास कर दिया है, बच्ची को पर्सनल इंटरेस्ट लेकर ढूंढेंगे तो जरूर मिलेगी, चिंता मत कीजिए। अबे सुन, लगता है पुलिस वालों को बात पता चल गई है। अगर मैंने जरा भी गलती की होती ना तो पुलिस वाले मुझे पकड़ लेता। पहले इस इलाके को छोड़ना होगा, शाम होने से पहले उससे पैसे लेकर इस जगह से निकल जाते हैं। यहाँ चारों तरफ खतरा है भाई, पहले उसे फोन करता हूँ। रुक, ऐसा वैसा बोलते तू हमारे साथ गेम खेल रहा है क्या? बच्ची को बॉक्स में डालकर पूरा शहर नहीं घूम सकते हम लोग। देख, हमने अपना काम कर दिया, तू चुपचाप पैसे दे दे। मुझे इस डील में कोई भी लफड़ा नहीं चाहिए, समझ गया ना तू? देख, अगर बच्ची को उठा सकते तो तू क्या चीज है, सोच ले एक बार। बार बार पूछ रहा हूँ इसलिए गलत मत समझिएगा, बच्ची को गायब हुए इतना वक्त हो चुका है। छोटी छोटी गलियों से लेकर सोनागाछी तक भी लड़की नहीं मिली। रैंसम के लिए भी कॉल नहीं आया, इसका मतलब जो आपको जानते हैं उन्होंने ही दुश्मनी की वजह से ऐसा किया होगा। थोड़ा सा सोचिए, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, इनमें से किसी के ऊपर डाउट है आपको? नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं है सर। याद कीजिए मैडम, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पैसे का मामला, साल दो साल पहले हुए छोटे मोटे झगड़े या ऐसी कोई भी बात, इनमें से कुछ भी हो सकता है। आपका एक छोटा सा हिंट भी बहुत बड़ी हेल्प कर देगा।
मैं एक होटल में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। पुनीत मेरा कोलीग था, उम्र में मुझसे छोटा था, हमारे ही गांव से था, इसलिए जल्दी से मेरे क्लोज हो गया। गुड आफ्टरनून रिसेप्शन। हेलो देवकी, मैं पुनीत। अर्जेंटली रूम नंबर 702 में आ सकती हो? क्यों, क्या हो गया? तुम आओ तो बता दो। पुनीत, क्यों बुलाया मुझे? I love you, देवकी। I love you। What's wrong with you? Behave yourself। कितने दिनों तक इच्छाएं दिल में दबा कर रखेंगे? Come, let's celebrate our desire on bed today। What? मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने चीप हो सकते हो। What's wrong with you? तुमने सोच भी कैसे लिया ऐसा? चीप? मैं? क्यों? तुम्हारे दिल में ऐसी इच्छा कभी नहीं आई क्या? घर जाने के लिए मेरी जरूरत, घर से आने के लिए मेरी जरूरत, बाइक पर बहुत क्लोजली मूव करती थी, ये सब कुछ तुमने दिल में इच्छा रखे बिना ही किया क्या? तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ गाड़ी पर आती जाती होगी, क्लोज बैठती होगी, हाथ भी पकड़ती होगी, गिफ्ट भी देती होगी, तो क्या तुम उसे इस तरह रूम में बुलाओगे? मैं तुम्हारे साथ आती जाती थी इसलिए नहीं कि तुम्हें अपना पति बनाना था, खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें अपना छोटा भाई समझती थी। डिस्गस्टिंग। अरे पुनीत, तुम यहाँ कैसे और काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? ओह, मैंने डाटा था इसीलिए ना। वो सब भूल जाओ, दिल में मत रखो। मैं तो कब से भूल गई। मैं और भूलूंगा चांस ही नहीं है। देखो देवकी, तुम्हारी सुंदरता पर मैं फिदा हो गया हूँ, तुम्हें बहन की नजर से मैंने कभी नहीं देखा, चलो शादी कर लेते हैं। ए, पागलों जैसी बात मत करो पुनीत, मेरी शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। लेकिन पति तो नहीं है ना? एक बात बताता हूँ, सुनो, तुम्हारा अच्छे पति की तरह और तुम्हारी बेटी का मैं एक बाप की तरह ख्याल रखूंगा। नेवर, मेरी बेटी ही मेरी दुनिया है, मैं उसी के लिए जी रही हूँ, मैं उसे एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती हूँ। तुम चाहे कुछ भी सोचो, मेरा जवाब ना ही होगा। ओ, तुम्हारे लिए तुम्हारी बेटी ही दुनिया है ना, उसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? तुम्हारी बेटी को ही उठवा लूं तो? चिल्लाओ मत, मैं सिर्फ बोलता नहीं हूं, करके दिखाऊंगा। जब वो ये कहकर चला गया तो मुझे थोड़ा डर लगा, पुलिस कंप्लेन की मैंने, उसके बाद मैंने उसे दोबारा कभी नहीं देखा। सर, प्यार किया ये तो सच है, उसे रूम में बुलाया ये भी सच है, धमकी दी थी ये सब 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 कुछ सच है सर। उसकी बेटी को जान से मारकर उसे हासिल करने की हद तक मैं पहुंच गया था सर, लेकिन उसका असली रंग पता चलने के बाद मैं चुप हो गया। अगर 4-5 दिन के बाद उसका पति वापस आ गया तो उसके रहते मैं उसके साथ संसार कैसे बसा सकता हूँ सर, आप ही बताइए। जो पति मर चुका है वो कहां से आएगा बे? सर, आपको किसने कहा कि उसका पति मर गया है? वो तो अभी तक जिंदा है सर। चाहो तो उसे पूछ लो, उसकी बेटी की कसम देकर पूछना, बताएगी वो। ये क्या नाटक है? इस मामले में मुझसे कोई भी बात मत छुपाना, ऐसा कहा था मैंने। अपना सारा काम धाम छोड़कर इस केस में पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आपके साथ क्यों घूम रहा हूं पता है? अभी आप जो ये दर्द तकलीफ सह रही है ना, ये मैंने भी सही है। 8 साल का बच्चा स्कूल गया पर वापस नहीं आया। 2 दिन बाद उसकी बॉडी मिली मुझे। स्कूल से वापस ना लौटने से बॉडी मिलने तक जो बेचैनी तकलीफ सही है मैंने वो बता नहीं सकता। ये सच है, बच्चा मर गया ये पता चलने के बाद हमारा दुख और भी बढ़ गया। हमने उसे खो दिया ये पता चलने के बाद से मैं एक भी दिन एक भी पल चैन से नहीं जी पाया हूं, समझ रही हैं? लेकिन मैं ये तकलीफ समझता हूं, इसीलिए आपकी इस तरह मदद कर रहा हूं, लेकिन आप हैं कि मुझसे ही झूठ बोल रही हैं। मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला, मेरे लिए तो मेरे पति मर ही चुके हैं और मैंने आपसे ही ऐसा नहीं कहा, मैं तो सबसे यही कहती हूँ। मैं रिसेप्शनिस्ट बनने से पहले एक एनजीओ में काम करती थी, वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार वक्त था, जिसे मंदिर में बैठे भगवान बात किए बगैर ही हमारी भावनाएं समझ जाते हैं और हमें खुशी देते हैं। उसी तरह वहाँ पर रहने वाले बच्चों से बात किए बगैर ही मैं उनकी भावनाओं को समझ लेती थी, उन बच्चों को मैं अपनी दुनिया समझकर जी रही थी और उनकी लाइफ में बाप बनकर कोई आया था
वो था तरुण। मजबूत रिश्ता बनाने के लिए सालों साल का साथ होना जरूरी नहीं होता, छोटी छोटी वजह काफी होती हैं जिससे हम दिल के करीब आ जाते हैं। तरुण भी वैसा ही था, छोटी छोटी वजहों से वो मुझे पसंद था। अगर मैं तरुण से शादी नहीं करती तो मैं गोल्डन लाइफ को मिस कर देती, इतनी खुश थी मैं। आराध्या के पैदा होने के 2 साल बाद उसे काम में बहुत बड़ा लॉस हुआ। उसने कुछ पैसे शेयर्स में इन्वेस्ट किए थे और उसे लॉस हो गया और उसने पीना शुरू कर दिया। जैसे जैसे समय बीत रहा था उसने बात करना छोड़ दिया, वो हंसना भूल चुका था। मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ये बात उसे पता चलने के बाद भी वो मुझे काम पर जाने के लिए फोर्स करता था, मुझसे कहता था कि मैं अबॉर्शन करा लूं। उससे बकवास करेगी, चल बाहर निकल यहां से, चल। This is Tarun's house? Yes, I'm his wife. Can you please call him? Actually, he's not in town. He's on business trip. Oh, can I have his number? Why, officer? What happened? Nothing to worry. Just a small inquiry. Oh, please note down. 720? 720? 129312. 12. Thank you very much. Abey. पागल, पूरे टी शर्ट पे खून लगा हुआ है, चल जा धो के आ जा। अबे धो तो रहा हूं लेकिन ये साफ ही नहीं हो रहा है। अबे धीमी बात करना, किसी ने सुन लिया तो पंगा हो जाएगा। अबे यार हमें सुनने वाला कौन है भाई, पैसे हाथ में आते ही हम यहाँ से निकल चलेंगे। दादा बिल कितना हुआ? 280 रुपया। ये ले चिल्लर रख लेना। जी ठीक। कर उसे, उसने यही जगह बताई थी। कहाँ? यही है, पूछ उसे कहाँ है। हेलो, हम लोग जगह पे आ गए हैं, तुम कहाँ हो गुरु? बस आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ ठीक है आ जाओ, बोला 10 मिनट में आ जाएगा वो। हाँ ठीक है। उसका 10 मिनट अभी तक पूरा नहीं हुआ क्या? अबे उसका कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। क्या बात कर रहा है? धोखा दिया, छोड़ूंगा नहीं उसे, वो जहाँ दिखाना वहीं मार डालूंगा उसे। तू एक काम कर, हथियार लेके कर, समझा ना? ए, मुझे लगता है कि वो आदमी हमें काफी देर से फॉलो कर रहा है। चल निकलते हैं, चल। रुक जा वरना मैं इसको गोली मार दूंगा। वापस आ जा। ए खड़ा खड़ा हो जा, खड़ खड़ा हो जा। क्या कर रहे थे तुम लोग यहाँ पे? कर्जा देने के लिए बुलाया था सर। ये तो सही सर। अच्छा तुझे शमशान में कर्जा मिलेगा? तू जा जा सर। सर भाग क्यों रहा था? हमने क्या किया सर बताइए? कपड़ों पे खून कहाँ गया? सर 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 क्या कर रहे हो? पता लगा लूंगा सर। तू चल मेरे साथ, चल सर। माफ कर दीजिए, चल उधर छोड़ दीजिए हमें। हैं ये गाड़ी किसके? अब चोरी करके लाया क्या? नहीं सर। सर ये हमारी कार है सर। लड़की
लड़की की फोटो तुम्हारे कार में कैसे आई रे? नहीं पता सर, नहीं पता सर, भगवान कसम नहीं पता सर, मेरी माँ की कसम सर। लड़की कहाँ है? पता नहीं सर। मैं पूछ रहा हूँ लड़की कहाँ है? नहीं पता सर। नहीं पता है और उसकी फोटो लेकर घूम रहे हो? गाड़ी चेक करो। ओके सर। सर गाड़ी में एक बॉक्स है सर। इधर चल, चल चल बे। ये सीधा खड़ा हो जा। क्या है बॉक्स में? सर कुछ नहीं है सर इसमें। सर इसमें कुछ नहीं है सर, खाली बॉक्स है सर। खोल 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 जल्दी। खोल रहा हूँ सर। अबे ये क्या है? कुत्ता कहाँ से आया? कहाँ से आया? सर 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 मारिए मैं सर बताता हूँ सर। जल्दी बोल। सर सर मेरा नाम रमेश है सर, इसका नाम सुरेश है। मैं किशनपुर का रहने वाला हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसका मानना था कि अगर पैसा होगा तो वो मुझसे शादी करेगी, नहीं तो भाग के चली जाएगी। मुझे किसी भी कीमत उससे शादी करनी थी सर, और इसे भी अपनी जरूरतों के लिए पैसे चाहिए थे। हम लोग इधर उधर घूम रहे थे तभी एक डॉग क्लब के बारे में पता चला। हम उसमें 10 रुपए लगा के 100 रुपए जीत सकते थे सर। हमने हजारों लगा के लाखों रुपए कमाए सर, फिर लाखों से करोड़ों कमाने के चक्कर में हम लोग उसमें लगा के सब कुछ हार गए सर। हम लोग एकदम कंगाल हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी, सोचा कि कर्जा लेकर खेलेंगे, लेकिन किसी ने पैसा नहीं दिया। फिर डॉग क्लब का ऑनर दीपेश ने हमें इस लड़की का फोटो दिया और बोला कि इस लड़की को किडनैप करोगे तो 10 लाख दूंगा। हमने डील कर लिया सर और इस लड़की को फॉलो किया, पर किडनैप नहीं कर पाए सर। मैंने आपको बताया ना सर कि इस कमीने को लड़कियों का बहुत शौक है, इससे कितना बार मैंने समझाया कि वहां मत जाओ, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और हम लोग वहां जाके फंस गए सर। डील मिस हो गई। तभी दीपेश का फोन आया, उसने बोला कि वो शाम में हमें अमाउंट दे देगा। वैसे भी हमें झूठ बोल दिया था और सोचा कि अगर थोड़े पैसे निकाल लेंगे तो हम दोनों इस शहर को छोड़ के चले जाएंगे सर। फिर इस कुत्ते को बॉक्स में डालकर क्यों घूम रहे हो? सर डॉग क्लब का ये बहुत अच्छा फाइटर है सर, इसलिए हम लोगों ने प्लान करके इस कुत्ते को किडनैप कर लिया सर। सोचा कि हम अपना खुद का एक नया क्लब खोलेंगे और इसे अखाड़े में उतार के बहुत सारा पैसा कमाएंगे, इसीलिए हमने इसे इंजेक्शन मार के मुंह पे टेप लगा दिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। थोड़ी देर बाद सोचा होश में आ गया होगा तो उसे थोड़ा खाना दे दूं, तो कुत्ते ने इसे काट लिया। और रेस्टोरेंट में जब ये खून धो रहा था तो साहब को इस पे शक हो गया। वो कहाँ मिलेगा? सर ये क्या है सर? सर देखिए मुझे भी कानून पता है। अरे सर आप ऐसे मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं? चल स्टेशन चल बताता हूँ। अरे सर लेकिन मैं स्टेशन क्यों आऊँ? चुप कर, छोड़ दीजिए सर। डोर ओपन करो। देखिए मैंने कोई गलती नहीं की है सर, आप मुझे क्यों लेकर जा रहे हैं सर? ये सही नहीं है सर। सर मैं आपके ऊपर डेफिनेटली डेफेसोरेशन का केस डालूंगा सर। किस जुर्म में आपने मुझे अरेस्ट किया है? देखिए मैं जो भी बिजनेस करता हूँ हर महीने आप लोगों को उसका पैसा देता हूँ सर। तुझे हमने अरेस्ट किया है किडनैप केस में। किडनैप? ओह माय गॉड सर ये किसने बोल दिया आपको? साले कमीने ज्यादा नाटक किया तो बहुत मार खाएगा। उन दोनों को सुपारी दी थी ना तूने? तुम दोनों बाहर निकलो, छोड़ूंगा नहीं मैं। सर इन खजूरों की बात सुनकर आप मुझे उठाए हैं? अरे मुझ पर भरोसा कीजिए सर, मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ। सर ये झूठ बोल रहा है सर, झूठ बोल रहा है सर। इनकी बात सुनकर आपने मुझ पर हाथ डाला, एक जेंटलमैन को टच किया ना, डेफिनेटली यू विल पे फॉर दिस सर। सर आप मुझे बाहर करके खड़ा है समझो, मुझे धमकी देता है। सर मैंने क्या गलती की है? इस लड़की को किडनैप क्यों किया तूने? ये लड़की? सर ये तो मेरे सगी बहन की बेटी है सर। क्या? तेरी बहन की बेटी? और क्या सर, ये मेरे सगी बहन की बेटी है सर। मैं इसको क्यों किडनैप करूंगा भला? एक मिनट के लिए कंप्यूटर रूम में आइए। चल वहां जाके बैठ जा। सर कल रात को जो हिट एंड रन केस हुआ था ना सर, उसकी मैं फुटेज चेक करा था तो मुझे ये क्लिप मिली। कंप्लेंट लिखवाइए कि कल शाम को 7 बजे से लड़की गायब है, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा 8:30 बजे बच्ची अपनी माँ के साथ है, और ये लेडी बोल रही है कि इसकी बेटी 7 बजे से गायब है, और अभी जो आदमी आया वो बोल रहा है कि वो बच्ची उसकी सगी बहन की बेटी है।
अपने बच्चे की कसम खाकर कह रहा हूँ, वो बच्चे को खुद ही लाने वाली थी, मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर? We clearly informed every parent to pick their child at 7 p.m. sir, but she came at 11:30 p.m. sir. It's height of irresponsibility. मरा हुआ पति वापस कहाँ से आएगा बे? सर किसने कहा कि उसका पति मर चुका है? वो तो अभी तक जिंदा है सर. अपने माँ की कसम खाता हूँ सर, इतनी छपरी औरत मैंने कभी नहीं देखी. मेरी दीदी और जीजा जी को आने दीजिए, इसके बारे में पूरी पोल खोल देंगे. अरे दीदी आओ आओ, मुझ पे भरोसा नहीं किया ना? वो कितनी कमीनी औरत है अब पता चलेगा तुझे. देख उसने कैसे डबल गेम खेला है. बहुत हो गया, चुप हो जा, तेरे बारे में मुझे सब पता चल गया है. ए दीदी तुम उस पे भरोसा क्यों नहीं कर रही है? ए, चल वहां जाके बैठ. सॉरी सर, He has misguided you regarding Devki. Devki is a nice woman. मैं उसे कई सालों से जानती हूँ. Actually, मैं मैसूर की हूँ. शादी होने के बाद कोलकाता में सेटल हो गई. भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, बस औलाद को छोड़कर. इसलिए हम लोग कभी कभी अनाथाश्रम जाते थे. वहाँ पर हमारी पहचान देवकी से हुई. पहचान होने के थोड़े दिनों के बाद देवकी बहुत क्लोज हो गई. आप छोटी बहन भी कह सकते हैं. हर त्योहार को मैं उसे अपने घर बुलाती थी. उस समय देवकी के साथ आराध्या भी आती थी. एक बार मैंने मजाक में ऐसे ही देवकी से कह दिया कि मुझे आराध्या को गोद दे दे. हमेशा हंसकर शांत होने वाली देवकी एक दिन पता नहीं. देवकी तुम कुछ बात करना चाहती हो, बोलो. उस दिन आपने कहा था आराध्या को आप गोद लेंगे, तो आप लेंगे उसे? ये क्या बोल रही हो देवकी? Are you serious? हाँ, आपके साथ आराध्या बहुत खुश रहेगी ऐसा लगता है. इसलिए मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया है. आप उसे ठीक से रखेंगी ना? देवकी डोंट मिस्टेक मी, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्या? कुछ पैसे चाहिए तो मैं दे देती हूँ. नहीं नहीं, आराध्या के नाम पर मैंने 4 लाख रुपए रखे हैं फिक्स डिपॉजिट के तौर पे. फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे अपनी बेटी की तरह रखेंगी यही काफी है. संगीता तुम इतना क्यों चिंता कर रही हो? तुम भगवान से बच्चा मांग रही थी ना, भगवान ने तुम्हें ये सुअवसर दे दिया. ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन क्यों लिया तुमने? आई जस्ट वांट टू नो द रीजन बिहाइंड इट. हेलो डॉक्टर, आई एम देवकी. यस, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर? अचानक से आजकल बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मूड तो स्विंग होता ही रहता है. छोटी छोटी बातों को लेकर कंफ्यूज हो जाती हूँ. हाथ में रखी हुई चीज दूसरी जगह ढूंढती हूँ. सिंपल सा कैलकुलेशन भी आजकल नहीं कर पाती. इस वजह से मुझे काम में बहुत प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर. तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे दिमाग को डिस्टर्ब करने वाला ऐसा कोई हादसा हुआ है? किसी की मौत जिसे तुम दिल से बहुत चाहती हो वो नहीं मिला हो? मेरे पति कहते थे कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकते और मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए. एक MRI स्कैन करते हैं, एक हफ्ते बाद रिपोर्ट्स के लिए आ जाना. ओके ओके. घर में कौन कौन है? और मैं और मेरी बेटी. कौन सी क्लास में है? 5th standard. और तुम्हारे माता पिता या कोई रिलेटिव? कोई नहीं है डॉक्टर. मैंने तुम्हें रिपोर्ट के साथ एक हफ्ते बाद आने को कहा था, बट इट्स बीन मोर देन 15 days. सॉरी डॉक्टर, मैं भूल गई थी. यस, अब मैंने तुम्हारे रिपोर्ट्स देखी हैं. इट्स डिमेंशिया, मतलब सॉर्ट ऑफ मेमोरी डिसऑर्डर. इट्स अ ब्रेन डिजीज.
जिन्हें ये रोग रहता है उनकी मेमोरी बहुत ही तेजी से लॉस होती जाती है। तुम्हारी रोज रोज की बात करने वाली भाषा, रेगुलर जो आप काम करती हैं, आपके घर का एड्रेस, ऐसी एक एक चीज भूल कर एक दिन तुम खुद को पूरी तरह से भूल जाओगी। देखो देवकी, एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें यही सजेस्ट कर सकता हूँ कि इसके फाइनल स्टेज में जाने से पहले तुम अपनी बेटी को जिस पर भी तुम ज्यादा भरोसा करती हो उसके पास या फिर किसी हॉस्टल में रखने का इंतजाम कर दो। उसका फ्यूचर अच्छा होना चाहिए, है ना? I can't live without my daughter. उसने जब भी हमसे कहा उसके बाद मैंने उससे कुछ पूछा ही नहीं। अडॉप्शन की लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके बच्ची घर पर आएगी, इसके लिए हम वेट करने लगे। कल रात को भी मैंने देवकी को कॉल किया था, मैसेज किया था, लेकिन उसने कुछ रिप्लाई ही नहीं किया। बात क्या है ये हम सोच रहे थे, अब पता चला क्या हुआ है। प्लीज सर, प्लीज फाइंड आराध्या फॉर मी, प्लीज। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट। थैंक यू। इट्स ओके। अगर तुझे तेरी बेटी चाहिए तो तेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, हम जो स्पॉट बताएंगे उस स्पॉट पर पैसे लेके आना, बेटी मिल जाएगी। नहीं तो पुलिस के साथ आना, तब भी बेटी मिलेगी लेकिन वो उसकी लाश होगी। सर प्लीज सर, अब जहाँ कहेंगे मैं आ जाऊंगी, उसे कुछ मत कीजिएगा सर, प्लीज सर। हेलो हेलो, आराध्या मिली क्या? पूरा जाम है, कैसे चलूं मैं? चलो तुम तो जल्दी चलो। अरे उनके ऊपर चढ़ा दूं क्या मैं? चलो ना दादा, जल्दी चलो। अरे मैडम कमाल है, आप कैसे जाऊं, कहीं जगह है क्या? हेलो, पता है तुझे बेटी नहीं चाहिए, काट के फेंक देते हैं, आकर बॉडी नहीं सर, ले जाना। नहीं सर, हेलो सर, मैं हावड़ा ब्रिज के एंट्रेंस पर हूँ, कहाँ आना है बताइए सर। मुझे जो टाइम दिया था वो टाइम खत्म हो गया। ट्रैफिक जाम है इसलिए लेट हो गई, हावड़ा ब्रिज पर पहुँच ही रही हूँ, बताइए ना सर कहाँ आना है। इंडियन पिलर के यहाँ पे आ जा। अभी आती हूँ सर। अरे मैडम मैडम, पैसे तो दीजिए मैडम। अरे मेरे पैसे मैडम। अरे क्या मैडम, आप भी ना पैसे तो देते जाइए। हेलो सर, 19 पिलर के पास हूँ सर।
जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुन। जो तू कैश का बैग लाई है ना, उसको लेफ्ट साइड के डंपिंग यार्ड में फेंक के चली जा, बच्ची घर पे पहुँच जाएगी। सर कोई और लेकर गया तो? तू अपनी डेढ़ होशियारी मत दिखा, जितना बोलता हूँ उतना कर। ठीक है सर, ओके सर। क्या बोल रही? मल्ली घाट के पास बैग क्यों फेंका? बच्ची किधर है? चलो स्टार्ट करो, मल्ली घाट चलना है। अच्छा सर। जोन, हाँ बोल। पैसा मिल गया है, उस लड़की को हाईवे पे बीच में छोड़ के अड्डे पे आ जा। ठीक है। ए, ए, गाड़ी हटा, हटा ना। क्या बीच में आ रहा है बे? तेरी ए, तो, रास्ता क्या, तेरे बाप का है क्या? आपको ऊपर से चिल्लाता है क्या? अपने आप को समझता क्या तू? तू अपनी गाड़ी हटा ना। आंख नहीं है तेरे पास? अंधा है तू? तुझे दिखाई नहीं दे रहा सामने गाड़ी है? बात कर रहा है तू? ये जगह किसी के बाप की नहीं, समझा? अबे मेरे से पंगा लेता है क्या? क्या कर रहा है, झगड़ा कर रहा है मुझसे? जा। कहाँ जा रहा है? रुकना, रुकना। मैं मार दूंगा तुझे। देखे देखे
चलो निकल यहाँ से, चल तू भी जा, मारने वाला था मुझे, जाओ जाओ यहाँ से, ए जल्दी कर जाओ यहाँ से, ए ये बैग किसका है? मेरे गर्लफ्रेंड का है सर। रुक जा पुलिस, यूनिफॉर्म में तूने छूकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी शहर के मुंह को खून लग गया। अब इस प्यास को मिटाने के लिए तेरा और तेरे घर वालों का खून करना ही पड़ेगा। कमीने, मुझे दूसरा चांस मत देना, तेरे अच्छे के लिए बोल रहा हूं। शूट कर, मुझे शूट कर। क्यों, दम नहीं है क्या? अगर तूने मुझे नहीं मारा तो मैं तुझे मार दूंगा। और मान ले अगर तूने मुझे मार भी दिया तो मेरे जो पंटर लोग हैं ना, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं, तू तो मरेगा। तू हमारे बारे में जानना चाहता है ना? कुल मिलाकर 3 लोग हैं, सिर्फ क्रिमिनल ही नहीं बल्कि नोटोरियस क्रिमिनल है। हम करोड़पति बाप के बच्चों को टारगेट करते हैं, और एक बार टारगेट कर लिया ना तो मिस होने का चांस नहीं है। माँ बाप का वीकनेस ही हमारा स्ट्रेंथ होता है। जो औरतें अपने बच्चों को जन्म देती हैं, वो अपने बच्चों से ज्यादा मोबाइल से प्यार करती हैं, और हम भी इसी चांस का इंतजार करते हैं। 2 दिन वॉच करते हैं, 3rd दिन टारगेट को उठा लेते हैं, और उसके बाद वो गायब। फिर उसके माता पिता हट्टो कंप्लेंट करते हैं और हम बच्चों को मार के फेंक देते हैं। पैसे खाने वाले हरामखोर की औरत, तुझे माँ बाप का दर्द क्या पता? और वो औरत की अरब पति है जो उसके बच्ची को तूने किडनैप कर लिया, बोलता क्यों नहीं? सर, कल हमने जिसको टारगेट किया था वो लड़की नहीं, मिनिस्टर रामनाथ बसव का बेटा था। हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि FM स्टेशन पर उसकी माँ उसको लेने के लिए आएगी, लेकिन उसका बाप अपनी कार में आ गया। डील कैंसिल हो गई सोचकर हमारा सर गरम हो गया। तभी हमने देखा कि नोरोघाट फ्लाईओवर के नीचे ये लड़की अकेली खड़ी थी। हमें दिन भर में लड़की, दारू और सिगरेट नहीं मिले तो हमारा दिमाग काम ही नहीं करता। कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होने दो, बच्चों के लिए मिनिमम 10 लाख दे ही देते हैं। उससे अमाउंट लेने के बाद लड़की को धंधा करने वालों के बीच बेच देते हैं, ये सोचकर हमने उसको उठा लिया। लड़की कहाँ है? किसको पता सर, अब तक तो मेरे लड़के उसे किसी कुएं या फिर समंदर में फेंक चुके होंगे। अभी तो हम भी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। पता
उसका? पता नहीं कहाँ चला गया है, कब से फोन लगा रहा हूँ फोन नहीं लग रहा है। थोड़ा और इंतजार करते हैं, टेंशन क्यों ले रहा है, आ जाएगा। 10 मिनट में आऊंगा बोला था, कमीना अभी तक नहीं आया, दिमाग खराब हो गया है मेरा। ए तू रख ना इसे, सिगरेट दे मुझे। सिगरेट विगरेट कुछ नहीं है, पैसे भी नहीं है। हेलो, हाँ भाई मैं कालीघाट पे ही हूँ, तू कहाँ है? हाँ हाँ निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ आ रहा हूँ। अरे बोला ना भाई आ रहा हूँ, थोड़ा इंतजार करना यार। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब क्या करूँ? हाँ दूसरे नंबर से भी फोन आया था। भाई हाँ भाई, कैसा है मेरा भाई? मस्त मस्त। हेलो मम्मा, मम्मा कहाँ हो आप? आराध्या मम्मा, आराध्या तुम कहाँ हो बेटा? मुझे नहीं पता मम्मा। आराध्या हेलो, आप जल्दी आ जाओ मम्मा, मेरा दम घुट रहा है, सांस नहीं ले पा रही, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ, आप जल्दी आ जाओ मम्मा। बात करो मुझसे आराध्या, तुम रो मत, बताओ ना। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी आओ ना। तुम डरो मत, हिम्मत रखो, तुम स्ट्रॉन्ग गर्ल हो ना, अपने फ्रेंड्स को हिम्मत देती हो ना, अभी खुद डर जाओगी तो कैसे चलेगा? तुम कहाँ पर हो बताओ, मैं अभी आ जाऊंगी। किसी ने कार की डिक्की में बंद करके रखा है। देखो जरूर से बात मत करो, मम्मा आ जाएंगी, ओके ठीक है। देखो आराध्या आस पास क्या दिख रहा है वो बताओ मुझे, बताओ ना। यहाँ पर एक काली भंडार की दुकान है, एक चाचा जी वहाँ खड़े हैं मम्मा, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा ठीक से दिखा रहा था, मुझे एक क्लू दे दो, कहाँ पर हो बताओ मुझे, मैं आ जाऊंगी बेटा। मम्मा यहाँ भगवान का गाना बहुत जोर से सुनाई दे रहा है। और देखो और क्या नजर आ रहा है बेटा? पर बहुत सारी लाइट्स लगी है, यहाँ पर एक काली माता का स्टेचू नजर आ रहा है मम्मा, लगता है ये काली घाट रोड है। मम्मा बैटरी लो हो रही है, मम्मा प्लीज जल्दी आओ ना मम्मा, मुझे डर लग रहा है। आराध्या मैं आ रही हूँ बेटा, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस चिनी, हाँ बी ब्रेव ओके। प्लीज मम्मा आप यहाँ जल्दी आइए ना मम्मा। चिंता मत करो बेटा। हेलो हेलो, टैक्सी टैक्सी दादा, काली घाट जा रहे हैं, काली घाट। हाँ ठीक है मैडम बैठिए। ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा जल्दी चलाइए ना प्लीज। चला तो रहा हूँ मैडम, उड़ा के थोड़ी ले जाऊंगा।
देखो जो रेट फिक्स किया वो फाइनल है। ये क्या है भाई, आपको पता ना छोटी बच्ची की डिमांड ज्यादा है तो काई को मोल भाव कर रहे हैं। 20 साल की पार्टी है क्या आपके पास? बाजार में उसी की डिमांड है आज। ए तू रुक, ठीक है 500 ज्यादा दूंगा, बच्ची को छोड़ के जा। ए भाई तुझे क्या लग रहा है, रद्दी माल बेचने आया हूँ? इस तरह का काम नहीं करता हूँ मैं। अरे तू भी जा। दादा अब लेफ्ट क्यों ले रहे हो? डीजल डालना है मैडम, आगे दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है। उस सब के लिए टाइम नहीं मैडम, बस एक मिनट। गाड़ी रोक के मैं चली जाऊंगी। हाँ हाँ बोल तो रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही क्या? Excuse me, ये भगवान के गाने की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या बोल रही हैं आप? काली भंडार कहाँ है? वो यहाँ सीधे जाकर लेफ्ट। सारे भक्तगण ध्यान दीजिए, आज रात को ठीक 9 बजे यहाँ माता की महाआरती होने वाली है, तो आपसे विनती है आप बड़ी तादाद में आ जाइए। अबे इतनी दूर बुला के उसने सिर्फ टाइम वेस्ट किया है हमारा, कोई काम नहीं हुआ। इससे अच्छा तो सुबह जिससे हमने बात की थी ना परमिला, उसी को, ठीक है उसी को ये लड़की दे देते हैं, एटलीस्ट पैसे तो अच्छे दे रही है ना वो। हेलो मामा, आप कहाँ हो मामा? हेलो आराध्या बेटा, तुमने जा कहा था मैं वहाँ आ गई। बेटा तुम कहाँ पर हो? मैंने कहा था मामा मैं वहीं पर हूँ, काली भंडार दुकान के अपोजिट मामा। मैं काली भंडार के सामने ही हूँ, तुम कहाँ हो? मम्मा आप नजर नहीं आ रहे हो मम्मा, आप कहाँ चले गए हो मम्मा? कहाँ पर हो तुम, ठीक से बताओ आराध्या कहाँ हो? मम्मा आप नजर नहीं आ रहे हो मम्मा, आप आगे आओ। आगे जो गाड़ियाँ लगी है वो गाड़ियाँ वहाँ से हटा के पार्किंग लॉट में लगाएं। आराध्या तुम क्या कह रही हो? और गेट नंबर 4 से एग्जिट है। हेलो मम्मा आप अभी भी नजर नहीं आ रहे हो मम्मा, आप कहाँ गए हो मम्मा? आराध्या मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कहाँ हो तुम? दर्शनार्थी ध्यान दे कृपया लाइन में आए। जरा जोर से बोलो, कहाँ हो आराध्या? हेलो, लेकिन वो पार्किंग एरिया में ही लगा है। मम्मा आप मुझे नजर आ रहे हो, आगे आओ मम्मा आगे आओ। खोल दो ना। अरे कैसी पागल हो रहे थे मुझे ये। अच्छा अच्छा चलो चलो निक्की, ये लो तुम्हारा भाड़ा, मैं जा रहा हूँ। देखिए कुछ है देखा आपने कुछ? आराध्या पता नहीं रात को इतने पागल लोग कहाँ से मिल जाते हैं, पूरा दिमाग खराब कर दिया। जल्दी कस्टमर भी भगा दिया आपने। Thank you.
उस परिमला को फोन कर। सुबह जो उसने रेट फिक्स किया था उसी पे बोल दे उसे। ज्यादा देर तक हम इस लड़की को यहाँ वहाँ लेके नहीं घूम सकते। अबे ये मेरा फोन कहाँ है? शायद तूने गाड़ी के ऊपर रखा था। उस टाइम गाड़ी के ऊपर रखा था ना, शायद मैंने गाड़ी के अंदर डाल दिया था, देख ले तू जरा। छोड़ जाने दे, अपना फोन दे। हाँ दे रहा हूँ, कॉल करके चेक करता हूँ। ये ले फोन कर। अरे यार ये तो स्विच ऑफ बता रहा है। बैटरी तो लो ही थी, स्विच ऑफ हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सही बोल रहा हूँ ना मैं? वैसे भी काम खत्म होने के बाद फोन तो फेंक ही देना है। चल एक काम कर तू, मेरे फोन से परिमला को फोन लगा। चल लगा। परिमला। हाँ बोल। सुबह जो तुमने रेट बोला था ना, उस रेट में सौदा पक्का करते हैं। अच्छा ठीक है, लेके आ जा। फुल कर दो। जीरो है, देख लो। बाहर जाकर फोन करो। हाँ ठीक है ठीक है। पिन कोड बोलो। 1059। hey, हेलो हेलो हेलो, क्या देख रहा है? पैसे दिया ना उसने? पैसे मिल गए ना? चाबी दे। चल कार्ड भी दे। पुलिस स्टेशन। हमारी कंप्लेन करेगा। मैडम पैसा रेडी है ना? हाँ, पहले लड़की तो दिखा। नीचे गाड़ी में चलो। ठीक है चल। ए, ऐसा माल जिंदगी में दोबारा नहीं मिलने वाला। पहले खोल तो सही। बगीचे में रहने वाली को एक फूल दिखा के भाव खा रहा है। बातें मत बना, देख ले। फोटो ले लूं? हाँ हाँ ले ले। चल पैसा निकाल। ऊपर चल, देती हूँ। ठीक है, मैं कॉल करता हूं तुम्हें। तू यही रुक। ठीक है। हेलो। हेलो सर, अभी जो बच्ची का फोटो मैंने भेजा है उसको इधर ही लाया बेचने के लिए। मुझे तो लगता है अगर मैंने पैसे भी दिए तो भी ये साले हरामी लोग छोटी बच्ची को छोड़ेंगे नहीं। आप यहाँ जल्दी आ जाइए सर। हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। ये लो। ठीक है,
अबे पुलिस पुलिस भाग भाग भाग। सर इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ? मिला नहीं, भाग गया साला। शा सुब्रतो, गाड़ी नंबर 4307 में किडनैपर्स भाग रहे हैं, ट्रैक देम। फंस गए। अचानक से मेरा पैर फिसला, गटर का ढक्कन खुला था और मेरा पैर चला गया। कोई है? फोन करूं? मोबाइल नंबर? 833-48-53-53-659। कर गई इसकी तो। रिसीव नहीं कर रहा है, किसी और का नंबर है? फिर से ट्राई कीजिए ना। सब तेरी वजह से। हेलो, एक मिनट। हेलो, ठीक है ठीक है, आ रहा हूं मैं। आ रहा है? हाँ। के साथ क्या कर रही है? काफी खून बह चुका है, आराम से उठाइएगा। आराम से चल। धीरे से। बैठ जा। तुम बैठ जाओ। तुम ठीक हो जाओगे, फिक्र मत करो। शुक्रिया। बस एक सेकंड की देरी थी, अगर वो कार मुझ पर चढ़ जाती ना, मेरे टांग टूट जाती। भगवान की तरह आई और उसने मुझे बचा लिया। अगर उस भगवान को पता चलता कि तेरी असलियत क्या है, तो तेरी छाती पे पैर रख के तेरी छाती फाड़ देती। क्या क्या बोल रहा है तू? टिग्गी में जो लड़की है ना, हाँ? वो उसकी माँ थी। ए, वो उसकी माँ है? सच बोल रहा है तू? ए, गाड़ी साइड में ले, गाड़ी साइड में ले। अरे रुक जा ना यार, ले रहा हूँ, रुक जा। क्या बात है, क्या हुआ तुझे? नहीं यार, उस लड़की को उठाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। गुरु को क्या हुआ पता नहीं, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है और ऊपर से मेरे साथ। हे भगवान, लड़की को छोड़ देते हैं। उसने तेरी जान बचाई है, इसलिए तुझे उस पे दया आ रही है, हाँ? ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं क्या? तो तुझे पैसा जरूरी है ना, तो डिसाइड कर ले, तुझे पैसा चाहिए या मैं चाहिए? क्यों रे, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? तुझे उससे बात करनी है ना। चल ये ले, फोन कर उसे। हेलो
हमारे पास है। हावड़ा ब्रिज के पास आ जा और लड़की को ले जा। कौन हो तुम लोग? मेरी बेटी तुम्हारे पास क्यों होगी? वो घर पर है। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ए, अरे यार, वो बोल रही है कि उसकी बेटी घर पे है। मैंने तुझसे कहा था ना, वो हमारे साथ डबल गेम खेल रही है, वो धोखा दे रही है। मैं तुझे फिर से बोल रहा हूँ, वो जो लड़की है ना, वो उसकी माँ है। देख, जब तू ड्रिंक्स लेने गया था तब मैंने उस औरत को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते देखा था, और वो फोन पे किसी से अमाउंट की बात कर रही थी। अगर इसकी बेटी घर पे होती तो ये घर से बाहर निकलती क्या? देख, खून बहुत बह रहा है, अगर ऐसे ही रहा तो मर जाएगा। चल हॉस्पिटल चलते हैं। इस डिजीज का वन ऑफ द मेन रीजन है सीवियर डिप्रेशन। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका वैसे कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। फाइनल स्टेज में पेशेंट की याददाश्त शक्ति अपने आप कंप्लीट इरेज होकर सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। अगल बगल क्या चल रहा है कोई सेंस नहीं रहता। दीदी, रात को मुझे आने में लेट होगा। अच्छा, हाँ। अगर ऐसा है तो आराध्य को मैं खुद ले आऊंगी। ठीक है दीदी। सॉरी बेटा, तुम बहुत देर से वेट कर रही हो ना। जाओ मम्मी, आप हमेशा ही लेट आते हो। सॉरी सॉरी, ऑडिशन में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ना, चलो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाती हूँ, चलो। मम्मा, भगवान गलती करते हैं क्या? नहीं बेटा, भगवान कभी भी गलती नहीं करते, जब भी करते हैं अच्छा ही करते हैं। फिर देवी महिषासुर को क्यों मार रही है? ये तो गलत है ना। धरती पर जब राक्षस आते हैं और वो लोगों को तकलीफ देते हैं ना, तभी वो माँ धरती पर अवतार लेती हैं और उन सबको सजा देती हैं। मम्मा, अब जल्दी चलो, आइसक्रीम। चलो चलते हैं। और मम्मा, आइसक्रीम। यार, वो औरत फोन क्यों कर रही है? हाँ तो देखना क्या बोल रही है वो। फोन रिसीव कर, पूछ के बता क्या चाहती है वो। अबे फोन उठाना उसका। हेलो। हेलो सर, आपने कॉल किया था ना, मेरी बेटी आपके पास है, कहाँ आना है सर? ए, तब तूने कहा कि बेटी घर पे है और अब तू बोल रही है कि तुझे बेटी चाहिए? हाँ नहीं नहीं सर, तब मैं टेंशन में थी, कुछ भी बोल दिया सर, अभी कहाँ हूँ बताइए ना। ठीक है, राइटर्स कॉलोनी के पास आ जा और लड़की को लेके जा। ठीक है, ओके सर। हेलो। हेलो सर, सस्पेक्ट की लोकेशन राइटर्स कॉलोनी दिखाई दे रही है सर। नहीं आ रही है, चल लगा। आती होगी यार, 5-10 मिनट वेट कर ले।
कुछ तो गेम खेल रही है वो हमारे साथ। अरे यार फोन करके देखना। हाँ देखता हूँ। फोन ही नहीं रिसीव कर रही है। गारंटी है हमारे साथ डबल गेम खेल रही है। एक बार और लगा। सुन यहां रहेंगे ना तो पक्का वॉट लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा यार, बहुत डरता है तू। फाइनल स्टेज में पेशेंट की याददाश्त बिल्कुल कम होकर पूरी तरह इरेज हो जाती है, कंप्लीट ब्लैंक हो जाता है। अगल बगल क्या चल रहा है ये बिल्कुल सेंस नहीं रहता। फाइनल स्टेज में जब जाते हैं तब मेमोरी पावर कम होती जाती है और पेशेंट अपनी दिमागी शक्ति कभी भी परमानेंटली भूल सकता है। फिर उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। Yeah!
में जा रहे हैं उस पर नजर रखो। निकाल यहां से। जा बेटा। मामा, मामा। आराध्या, बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ बेटी? बिल्कुल भी मत डरो, हिम्मत रखो बेटा। पापा, मम्मा कहाँ है? मम्मी के बारे में तुम चिंता मत करो बेटा। मम्मा कहाँ है? आराध्या, अब जब भी तू बुलाएगी मम्मी नहीं आ पाएगी बेटा, वो तेरे साथ नहीं रह पाएगी। अब मैं रहूंगा तेरे साथ, मैं तेरा अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। आराध्या, वो खुद को नहीं संभाल पा रही है तो तुझे क्या संभालेगी? मेरे साथ आजा बेटी, कुछ सोच मत, मेरी बात सुन आराध्या, मुझ पे भरोसा करो बेटा। आराध्या, सुनो मेरी बात, ट्रस्ट मी, ख्याल रखूंगा तुम्हारा। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? भगवान ने तुझे वापस हमारे पास भेजा है बेटी, जो भी हुआ वो सब भूल जाओ, तुम्हारी सारी तकलीफें खत्म हो गई है बेटी। तुम हमारे साथ आ जाओ बेटी, आज से हम दोनों ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हारी माँ की भी यही इच्छा है। देखो बेटी, तुम्हारी माँ देवकी ने भगवान का रूप लेकर तुम्हें हमें सौंपा है, हमारे साथ आ जा बेटी। Don't worry at all. You come home with us and we will take care of you as if you are our own daughter. Please come home. Whatever you want, we will give you. Wherever you want to go, we will take you. Please come home, dear. आ जा बेटी। आराध्या, मैं तुम्हारा पापा हूँ, मैं जैसा बोलूंगा वैसा तुझे सुनना पड़ेगा बेटी। तुझे क्या चाहिए बोल, मैं दिलाऊंगा, चाहे वो कुछ भी हो, तू मेरे साथ आ जा। नहीं माँ, भाई, सब लोग तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे बेटा, मेरे साथ आ जा। आराध्या, तू मेरी बात तो समझ रही है ना बेटी? आप जरा रुक जाइए प्लीज। मेरी बात समझने की कोशिश कर तू। मैं इसे बात अपने दिमाग से सोच बेटा। क्या समझेगी वो, जब उसका ख्याल रखना चाहिए था तब कहाँ थे आप, बताइए? अगर होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्लीज आप चुप हो जाइए। आराध्या बेटी, मेरी बात सुनो, हमारे साथ आ जाओ, हम तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे बेटी। आ जाओ आराध्या। मेरे बच्चे, तुम मम्मी के बारे में मत सोचो, वो भी ठीक हो जाएगी। जब भी आपके बारे में पूछती थी तो मम्मा मुझे कहानी बताती थी, पापा इधर है उधर है, अभी आएंगे तभी आएंगे। आप क्यों नहीं आते थे ये तो मुझे नहीं पता, और अभी क्यों आए हो ये भी मुझे नहीं पता। आपको हमारे साथ रहना चाहिए था, पर मम्मी जो कहानी बताती थी आप उसमें रहते थे। उस दिन मैं आपके साथ रहूंगी कहकर मम्मी को आपने मनाया, और अब आप कह रहे हैं कि मुझे कोई दूसरी मम्मी संभालेगी। मैं जब से इस धरती पर आई हूँ तब से मेरे लिए एक ही चीज कीमती है, वो है मेरी माँ। उस तकलीफ में ये सोचकर अगर मैं चली गई तो आप में और मुझ में क्या अंतर रहेगा? उनकी देखभाल करने के लिए अब किसी की जरूरत नहीं है, उनके लिए मैं हूँ। आपको मम्मी नहीं चाहिए, मुझे आप नहीं चाहिए, आप ही क्या, मुझे कोई नहीं चाहिए। बेटा,
कुछ हो गया है, ऐसा कह रहे हैं सब लोग। वो मुझे आपसे दूर लेकर जाएंगे बोल रहे हैं। आपको मेरा ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। इतने दिन आखिर कौन था हमारे साथ मम्मा? आप और मैं वैसे ही खुशहाल रहेंगे। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी मम्मा। आई लव यू मम्मा, आई लव यू सो मच। माँ जुबान ही नहीं होठों का भी अमृत है ये शब्द। उसकी गोद में हमारा जन्म होता है। पैदा होने के बाद जब हम रोते हैं तो वो देखकर हमारी माँ हंसती है। उसकी यही कामना रहती है कि हम जिंदगी भर हंसते रहें। एक खूबसूरत सा रिश्ता, कभी न खत्म होने वाला अनुराग, जिसे हम कभी न भूल सकें। एक ऐसी मधुर पहेली, यही है माँ। इस रिश्ते को मिटाने के लिए सिर्फ आसपास के लोग नहीं, यम भी आ जाए तो उसे नहीं मिटा सकता।